चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजर, स्पेशल डे, एम्स क्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पी वाई क्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें अमन सर वाई फिसडी, क्योंकि जो वर्ल्ड अफेयर्स का ये पीडीएफ है आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। 6 AM पर ये वीडियो डेली अवेलेबल होती है, रेगुलर देखें ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए आज के दिन की शुरुआत। इलेक्शन कमीशन ने हाल फिलहाल में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होने वाले हैं उसकी पोलिंग जो डेट है उसे अनाउंस कर दिया है और वो है 18 जुलाई। इम्पोर्टेंट वन, देखिए अभी हमारे भारत के 16 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है ये होने वाले हैं जिसमें नेक्स्ट प्रेसिडेंट चुने जाएंगे और ये 18 जुलाई को जो है ये होगा इलेक्शन कमीशन के अनुसार। इसमें कुछ स्पेसिफिक डेट बताई गई हैं कि जो इशू डेट है, नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन इशू डेट जो है ये 15 तारीख होगा और उसके अलावा नॉमिनेशन जो है ये 29 जून तक होंगे, ठीक है, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन। उसके बाद पोलिंग जो है 18 जुलाई को होगी और उसके बाद जो वोटिंग है वो जो है कंप्लीट होगी, ठीक है, 21 जुलाई को काउंटिंग जो है वोटिंग की वो कंप्लीट होगी। तो इलेक्शन कमिश्नर हमारे देश के राजीव कुमार जी हैं, उनके द्वारा इस न्यू दिल्ली की कॉन्फ्रेंस में ये बताए गए। आप सभी जानते हैं कि जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं ये आर्टिकल 324 के तहत हैं जो कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन एक्ट 1952 में आते हैं। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी 6th जो कन्वोकेशन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश का उसके लिए विजिट करे और कहाँ पे, तो आंसर है इस क्वेश्चन का धर्मशाला में इनका विजिट हुआ। इससे पहले ये जम्मू में भी गए थे, IIM जम्मू में, तो वो भी मैंने कल कवर कर लिया था। तो अभी इसमें इस पूरा जो कन्वोकेशन हुआ था 6th, इसमें गवर्नर जो है राजेंद्र विश्वनाथ जी हिमाचल प्रदेश के, वो यूनियन इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग अनुराग सिंह ठाकुर, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर और स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं गोविंद सिंह भी थे। टोटल 486 स्टूडेंट्स हैं जिनको डिग्री अवार्ड की गई, जिसमें 69 मेरिटोरियस जो स्टूडेंट्स हैं उनको UG एंड पोस्ट ग्रेजुएट ये डिग्री अवार्ड की गई गोल्ड मेडल के साथ और डिग्री के साथ। तो ऐसे कन्वोकेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो है पूरा गवर्नमेंट कॉलेज ऑडिटोरियम है धर्मशाला में, वहीं पे इसे किया गया था ऑर्गेनाइज। वेरी इंपॉर्टेंट वन, इंडिया होस्ट करने वाला स्पेशल एशियन इंडिया फॉरेन मिनिस्टर मीट, ये कब होने वाला है? तो 16 जून से लेकर 17 जून के बीच में होने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, इंडिया इसे होस्ट करने वाला है और ये हमें ब्रीफ किया गया था अभी हाल फिलहाल में एक्सटर्नल अफेयर स्पोक्स मैन जो है अरविंद बागची, इनके द्वारा ये ब्रीफ किया गया कि फर्स्ट मीटिंग इससे पहले दिल्ली में हुई है और अब जो है 12th एडिशन हो रहा है, ये दिल्ली डायलॉग है, ठीक है, तो 16 से 17 के बीच में होगा। डेफिनेटली एशियान इम्पोर्टेंट है, तो सेंटर जो इंडिया का है, इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको फॉलोअप करने के लिए ज़रूरी है। 30th एनिवर्सरी भी है ये और 10th एनिवर्सरी है इंडिया की एशियन के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, तो इम्पोर्टेंट है। मतलब 2022 के लिए एशियन इंडियन फ्रेंडशिप ईयर जो है डेजिग्नेट किया गया है। इसका एक थीम भी रखा गया है कि दिल्ली डायलॉग जो होगा ये बिल्डिंग ब्रिज इनटू इन द इंडो पैसिफिक जो है ये इसका थीम रखा गया है, जिसमें अटेंडिंग जो है वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होंगे और बाकी एशियन मिनिस्टर्स होने वाले हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड एडिशन जो है अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग जो है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये जो DSDP जो है ऑर्गेनाइज किया गया दिल्ली में, ये सेकेंड एडिशन था जिसमें टॉप 30 डिस्ट्रिक्ट जो है उनको अवार्ड किया जाएगा इनके इनोवेटिव बेस्ट जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए स्किल डेवलपमेंट में। तो ये जिसमें जितने भी जैसे जितने भी डिस्ट्रिक्ट जिनको जो जीते हैं उनके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। 30 स्टेट्स के ऑलमोस्ट सभी मेंबर्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट किए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छा प्रोफेसर। टॉप 3 का भी नाम बता देता हूँ मैं आपको, राजकोट गुजरात से, छज्जर जो है असम से और सतारा जो है महाराष्ट्र से, ये टॉप 3 हैं अगर पार्टिसिपेटिंग डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए। लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री जिसने कंडक्ट किया अभी जो कंडक्ट करने वाले हैं फिजिबिलिटी स्टडी डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करने वाले, जैसे इंडिया डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करने वाला है वैसे ही बांग्लादेश ने भी अब कंडक्ट करेंगे फिजिबिलिटी स्टडी। पहले स्टडी होगी इसकी, फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं बांग्लादेश के मुस्तफ़ा कमाल, इनके द्वारा अभी कहा गया है कि बांग्लादेश का जो बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, वो इसकी एक फिजिबिलिटी स्टडी करेगा कि जो डिजिटल करेंसी आ सकती है कि नहीं। देखिए क्रिप्टो करेंसी तो ये नहीं लाएंगे, लेकिन जो वर्किंग करेंसी है उसका डिजिटल वर्जन लाना जो है ज़रूरी है। अभी बजट जो नेशनल बजट आया 2022-23 फाइनेंशियल का, ठीक है, उसमें भी जो है इसके बारे में डिटेल बताएगी। मेन पर्पस क्या है कि सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी होना चाहिए वर्चुअल ट्रांजेक्शन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, इससे ई कॉमर्स बिजनेस जो है बढ़ेगा।
एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है कि कितने मिलियन डॉलर का लोन जो है सोशल रेजिलेंस प्रोग्राम के लिए बांग्लादेश में देंगे, तो 250 मिलियन का होगा। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये अप्रूव किया गया, 250 मिलियन का यूएसडी में ये पॉलिसी बेस्ड लोन सपोर्ट दिया जा रहा है सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम के लिए। अब सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम में क्या आएगा, जितने भी डिसएडवांटेज पीपल हैं स्ट्रेंथ करने के लिए, उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो ये समय जो पेमेंट सर्विसेज हैं रूरल एरिया में ये बढ़ती जाए, तो ये जो है इसके लिए अभी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रिंसिपल सोशल सेक्टर स्पेशलिस्ट हैं फॉर साउथ एशिया हिरोको जी जो है, इनके द्वारा जो है इसका एडवांटेज बताया गया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में मैस्कोट लोगो जो है अनवील किया है, FIDE चेस ओलंपियाड है, तो ये तमिलनाडु का है। तो अभी ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन जी के द्वारा मैस्कोट और लोगो लॉन्च किया गया, जिसका थंबी रखा गया, आप इमेज देख सकते हैं, थंबी है ये इसका, ओलंपियाड चेन्नई में होंगे। थंबी का मतलब होता है यंगर ब्रदर, तो ये इंटरनेशनल इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है इंडिया में। ठीक है, मलमपुर चेन्नई में 28 जुलाई से लेकर 10 अगस्त के बीच में होगा। आप इसमें देख सकते हैं कि 2000 से ज़्यादा प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, 186 कंट्री इसमें जो है इवेंट में पार्टिसिपेट करेगी। ये बिगेस्ट एवर जो है कंपटीशन कह सकते हैं इंडिया में अगर देखा जाए चेस को लेके। तो लेट्स सी कि इसमें क्या क्या रिजल्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए शंग्रीला डायलॉग जो है ये कब होने वाले हैं, तो ये अभी चल रहे हैं, 10 और 12 के बीच में चल रहे हैं, तो ये 19 शंग्रीला डायलॉग हैं, तो जो शंग्रीला होटल जो है वहीं पे हो रहे हैं, ये 10 और 12 के बीच में चलेंगे, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर, स्टेट लीडर, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, इन सबसे डेलीगेशन आए हैं। और देखिए जो इन्विटेशन है अभी जैसे इस्ताना में, लोकेशन जो है इस्ताना है, अगर देखा जाए तो इसमें पर्टिकुलरली जो है एंडरसन और ऑरेंज ग्रोव रोड जो है उससे कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी जो है उसको टाइट किया गया है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है शंग्रीला डायलॉग। पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन और साथ के साथ वो टीवी होस्ट भी थे, आमिर लाकेत हुसैन, इनका निधन हुआ है किस एज में, तो आंसर है 50 की एज में। देखिए फेमस हुए थे एक सोशल मीडिया मेमेज की वजह से, आपने ये इमेज देखी भी होगी, तो आमिर लखत हुसैन ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है, टेलीविजनिस्ट है, और इनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है, तो 50 की आयु में इनका निधन हुआ है। ठीक है, और जो है ये एमपी कब बने थे, बस इतना ही पता होना चाहिए कि एमपी ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम जो है 2002 में इलेक्ट हुए थे, 2004 में इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट रिलीजियस अफेयर भी बनाया गया था। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इंडिया ने हैंड ओवर किया 12 हाई स्पीड गार्ड बोर्ड किसको, तो ये वियतनाम को। अभी ये आपको पता होगा, डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उनके द्वारा 12 हाई स्पीड गार्ड बोर्ड जो हैं, जो कि 100 मिलियन डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट की ग्रांट से बने हैं, तो ये साउथ एशियन कंट्री वियतनाम को इंडिया के द्वारा दिया गया है। तो ये एक तरीके से मीटिंग सपोर्टिव है, क्योंकि चाइना के अगेंस्ट, चाइना को काउंटर करने के लिए वियतनाम और इंडिया का सपोर्ट होना ज़रूरी है, तो ये उसी का ही एक हिस्सा है। इससे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुका हूँ, तो लेट्स सी द किक पॉइंट। देखिए पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि एक ड्रग जिसने 100% सक्सेस रेट दिखाया कैंसर डिजीज़ का, तो ये इम्पोर्टेंट है। हाल फिलहाल में गुप्ता ब्रदर्स जो हैं इनको करप्शन के चार्जेस में साउथ अफ्रीका, ठीक है, करप्शन चार्जेस इनके साउथ अफ्रीका में एक्यूज होने के लगाए हैं, और इन्हें अरेस्ट किया गया यूनाइटेड अरब एमिरेट में। हाल फिलहाल में ये अनाउंस किया गया कि जो एज लिमिट है एज एन ऑफिसर बीइंग एलिजिबल फॉर चीफ ऑफ डिफेंस जो है वो 62 होगा। तो मैंने कल एक सवाल पूछा था सईद डायनेस्टी के फाउंडर कौन, तो आंसर बिल्कुल परिश के द्वारा बिल्कुल सही, खजर खान। आज का सवाल, लॉयन लेपर्ड टाइगर जो है किस जेनस और जितने भी स्पीसीज हैं कौन से जेनस से संबंधित है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दीजिए, और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि इस वीडियो का पीडीएफ सिर्फ इसी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा और कहीं नहीं। तो सर्च कर लेना अमन सर वाइफ स्टडी, इसे ज्वाइन कर लेना, रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज करिए। बाकी आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव अमन कोड जब आप यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, डिस्काउंट मिलने से आपको जो है बेनिफिट होगा, आपकी फ़ीस कम होगी, चाहे आप कोई भी बैच ज्वाइन करें, लाइव अमन से इधर डिस्काउंट ले सकते हैं, प्रोसीड टू पे कर सकते हैं। बाकी आप सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।